नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ बॉलीवुड की खबरों के साथ। जी हाँ, आज चर्चा करेंगे एंटरटेनमेंट न्यूज में क्या कुछ लेकर आए हैं हम आपके लिए। आज एक उस ऐसे एक्टर की हम बात करेंगे जो बहुत कम समय के लिए इंडस्ट्री में रहा, लेकिन उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ दी। अपनी एक्टिंग की बदौलत उन्होंने काफी नाम कमाया, लेकिन अफसोस की बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं हैं। चैनल के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी उनकी बरसी आने वाली है, उनको मरे हुए एक साल होने वाला है, तो हमारी तरफ से उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। उनकी जीवन से जुड़े हुए कुछ किस्से हम आपसे शेयर करेंगे, बताएंगे कि आखिर वो दिलचस्प कहानी क्या है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। दरअसल उनके प्यार के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अक्सर चर्चा होती रहती थी कि अंकिता लोखंडे जो है उनका प्यार है या रिया चक्रवर्ती उनका प्यार है, लेकिन आज हम एक ऐसी बात आपसे करने जा रहे हैं जो शायद आपको नहीं पता। दरअसल ये दोनों नहीं बल्कि उनका सच्चा प्यार तो कोई और ही था। आखिर कौन है वो, इन तमाम जानकारियों से आपको अवगत कराएंगे। आपको इस तरह की नई जानकारी या अच्छी जानकारी हम अक्सर देते रहते हैं, और ज़रूरी है कि ऐसी जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपके सुझाव हैं या कुछ जानकारी आप चाहते हैं या कुछ सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द उसका जवाब दिया जाए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है या हमारी जानकारी आपको पसंद आती है, तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। आइए देख लेते हैं आखिर उनका सच्चा प्यार यानी सुशांत सिंह राजपूत का सच्चा प्यार कौन था। अंकिता लोखंडे या रिया चक्रवर्ती की नहीं, बल्कि कोई और ही था उनका सच्चा प्यार। दरअसल दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कुछ दिन में ही पहली वर्षी आने वाली है। ऐसे में उनके चाहने वाले अभिनेता को याद कर रहे हैं। सुशांत की कई पुरानी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसी बीच अभिनेता से जुड़े कई पुराने किस्से भी लोग याद कर रहे हैं। ऐसे में हम भी आपको बताते हैं अभिनेता से जुड़ा एक किस्सा, जब उन्होंने अपने सच्चे प्यार के बारे में बात की। दरअसल साल 2019 में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत एक इवेंट में स्पीकर के रूप में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने सच्चे प्यार के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन ये सच्चा प्यार रिया चक्रवर्ती या अंकिता लोखंडे नहीं थी, बल्कि कोई और ही था उनका। अभिनेता ने बताया था कि उन्हें सच्चा प्यार अपनी क्लास टीचर से हुआ था, वो भी चौथी कक्षा में। सुशांत इस बात को मजाकिया अंदाज में बता रहे थे। हंसते हुए सुशांत ने बताया था कि उन्होंने टीचर को अप्रोच नहीं किया क्योंकि उन्हें एग्जाम में पास करना था। इस दौरान सुशांत ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्हें पहला प्रपोजल कब मिला था। सुशांत ने बताया कि जब वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब उन्हें अपनी जिंदगी का पहला प्रपोजल मिला था। इतना ही नहीं, सुशांत ने इस दौरान अपनी पहली डेट का भी खुलासा किया था। सुशांत ने बताया था कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता था और उन पैसों से मैंने एक बाइक खरीदी थी। इसके बाद मैं अपनी पहली डेट पर पराठे खाने उसी बाइक से मुरथल गया था, और यहीं अभिनेता की पहली डेट भी हुई थी। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन बीते साल 14 जून को हुआ था। सुशांत को इसी दिन अपने मुंबई स्थित निवास पर मृत पाया गया था, जिसके बाद प्रथम दृष्टया जांच में इस मामले को आत्महत्या के रूप में देखा गया। हालांकि कई दिन चली जांच के बाद सुशांत का परिवार आगे आया और उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के ऊपर सुशांत से पैसे ऐंठने और उनको आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया था। हम जानते हैं कि सुशांत सिंह ने बहुत कम फिल्में की हैं, लेकिन जो भी फिल्में उन्होंने की है वो बेहतरीन है। उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है और देश दुनिया में अपनी छाप भी छोड़ी है। हमारी चैनल की तरफ से हम एक्टर को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। साथ ही साथ आइए डिस्कस करते हैं कि और भी क्या कुछ खास है उनकी जीवन से जुड़ी। इसके बाद परिवार के ही दबाव में मामले को सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई के साथ ही इस मामले में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। घटना को हुए एक साल का समय बीत चुका है, लेकिन
अब तक सीबीआई, एनसीबी और ईडी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। दरअसल ये चिंतनीय बात है कि एक बेहतरीन एक्टर जो इतनी कम उम्र में हमें छोड़कर चला जाता है और उसकी मौत की गुत्थी सरकार या जो एजेंसियां हैं वो सुलझा नहीं पाती, या यूं कहें कि शायद कुछ जगहों पर उन पर पर्दा डालने की कोशिश करती हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई लोग इसमें ऐसे भी लिप्त हों जिन्हें वो बाहर नहीं लाना चाहते। मामला क्या है वो तो जांच एजेंसियां तय करेगी, हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि वो एक बेहतरीन एक्टर थे जो आज हमारे बीच नहीं है। आइए अब जान लेते हैं बॉलीवुड की दूसरी एक जोड़ी के बारे में। जी हाँ, बात कर रहे हैं कैटरीना कैफ और विकी कौशल की। दरअसल काफी समय से इन दोनों के इश्क के चर्चे बॉलीवुड में गर्मा गर्म हो रहे हैं। लोग चीजें छुपा रहे हैं, लेकिन कई बार उनको साथ में स्पॉट किया गया है। आखिर क्या कुछ कहानी है इसमें, इस पूरी जानकारी से हम आपको अवगत कराएंगे। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल और कैटरीना कैफ इन दिनों खूब चर्चा में चल रहे हैं। पिछले एक साल से दोनों की लव स्टोरी को लेकर उनके फैंस खूब बात कर रहे हैं। ऐसे में सोमवार को विक्की कौशल को कैटरीना कैफ के घर के बाहर स्पॉट किया गया। जी हां, एक्टर सोमवार को बांद्रा में कैटरीना कैफ के घर पहुंचे थे। दोनों ने अब तक अपने रिश्तों के बारे में दरअसल कुछ कहा नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को डेट जरूर कर रहे हैं। दोनों को कई बार बॉलीवुड की कई पार्टियों में साथ साथ देखा गया है। आपको बता दें कि विकी कौशल सोमवार को दोपहर 3:30 बजे कैटरीना के घर पर पहुंचे थे। एक खबर के अनुसार विकी कौशल की गाड़ी को आज वहीं स्पॉट किया गया था। आपको बता दें इस गाड़ी को कैटरीना के घर में छिपाया गया था। पहले विकी की गाड़ी आगे लगाई गई, जिसके पीछे उसे कैटरीना कैफ की गाड़ी से छिपा दिया गया। लेकिन इस बीच आज विकी कौशल की गाड़ी को स्पॉट कर ही लिया गया। खबरों की माने तो कैटरीना कैफ कई दिनों से ये चाहती हैं कि वो विकी के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर सभी के सामने रख दें, लेकिन अभी इसमें कुछ और वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि विकी कौशल के जन्मदिन पर भी एक्ट्रेस विकी को बड़े ही दिल से विश किया था। दोस्तों, बॉलीवुड की खबर हो या किसी और मुद्दे की बात हो, सभी मुद्दों पर हम जानकारी लेकर आते रहते हैं, और ज़रूरी है कि वो जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर हमारी जानकारी या हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए देखते हैं खबरों में आखिर आगे क्या है। उन्होंने विकी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा था, जन्मदिन की बधाई विकी कौशल, हमेशा इसी तरह हंसते रहो। कैटरीना कैफ अब बहुत जल्द हमें अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी का प्रमोशन करते हुए नजर आएंगी। अगर बात करें विकी कौशल की तो एक्टर हमें बहुत जल्द सरदार उधम सिंह के बायोपिक में नजर आएंगे। बॉलीवुड की खबरों में आज के लिए इतना ही। एक बार फिर हम आपके सामने नए बॉलीवुड की खबर को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।